सीबीएसई ने 31 जुलाई को सभी स्कूलों के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के रिजल्ट को अंतिम रूप देने की अंतिम तिथि 22 जुलाई से बढ़ाकर 25 जुलाई को शाम 5 बजे कर दी है। देश भर में सीबीएसई से संबंधित स्कूलों की कक्षा 12वीं के लाखों छात्र और उनके अभिभावकों की नज़र सीबीएसई के रिजल्ट की घोषणा पर टिकी है। आपको बता दें कि कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। आपको ये भी बता दें कि परिणाम सीबीएसई द्वारा घोषित वैकल्पिक मूल्यांकन नीति के आधार पर घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि सीबीएसई ने अपने नोटिस में कहा है कि स्कूल अपनी पूरी क्षमता के साथ डाटा को अंतिम रूप देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आखिरी तारीख नजदीक होने के कारण शिक्षक दबाव में आकर गलतियां कर रहे हैं और फिर उसे सही करवाने के लिए सीबीएसई से निवेदन कर रहे हैं। ऐसे में सीबीएसई ने यह फैसला लिया है कि रिजल्ट को अंतिम रूप देने की आखिरी तारीख 22 जुलाई से बढ़ाकर 25 जुलाई 2021 तक कर दी गई है। स्कूलों से निवेदन है कि वो अपना काम जारी रखें और किसी भी स्कूल का काम नहीं पूरा होने पर उस स्कूल का रिजल्ट अलग से जारी किया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और अन्य राज्य बोर्ड को 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था। 25 जुलाई तक स्कूलों द्वारा रिजल्ट को अंतिम रूप देने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस हिसाब से 25 से 31 जुलाई के बीच रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।